एकता कपूर के बाद अब ऐसा लगता है कि कंगना रनौत भी मान गई है कि आखिर कुंद्रा जैसा कोई नहीं। वेल हेलो गाइस एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। आप सभी को बता दूं कि कल के दिन मैंने आपको दिखाया था वीडियो, बाकायदा वीडियो दिखाया था, वही एवं बोला नहीं था, विद प्रूफ दिखाया था कि तेजस्वी प्रकाश ने भी करण की स्टारडम को लेकर काफी कुछ कहा था। और लिटरली करण जब जब लॉकअप के अंदर एंटर होते हैं तो हमेशा ही लॉकअप में व्यूअरशिप जो है वो यहां से यहां चली जाती है एंड फैंस यहां से वहां शिफ्ट हो जाते हैं। जी हाँ, यानी कि जब तक अगर इंस्टा पे एक्टिव होते हैं, इंस्टाग्राम से फटफट सारे फैंस जो है वो भागते हुए लॉकअप की तरफ पहुंच जाते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ, लिटरली करण कुंद्रा के आने के बाद कई ज्यादा व्यूअर्स जो है वो देख रहे थे और 13.7 मिलियन लाइक्स आ गए थे उस पर। उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि 1.2 मिलियन लाइव व्यूअर्स देख रहे थे। अब इन सारी चीजों पर एकता के बाद ऐसा लगता है कंगना रनौत भी मान गई है करण कुंद्रा का लोहा। जी हाँ, यानी कि करण का जो भी औदा है, करण का जो स्टार्डम है, उससे दंग रह गई है कंगना रनौत। वेल, आप सभी को बता दो, देखिए यहां पर कंगना ने एक तस्वीर शेयर की है एंड कंगना जानती है कि ये काफी हद तक करण कुंद्रा की वजह से हो रहा है, इसलिए उन्होंने करण वाली तस्वीर शेयर की है। अब देखिए यहां पर, यहां आपको करण कुंद्रा नजर आ रहे हैं और यहां पर बैठे हुए हैं मुनावर। जी हाँ, यहाँ पर मुनावर बैठे हैं, यहाँ करण कुंद्रा है एंड ये एकता कपूर ने तस्वीर जो थी शेयर की थी क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा था। और इसको री शेयर करते हुए कंगना ने क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर कंगना लिखती है, मैं आपको बता दूं, ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एवरी डे, फायर फायर फायर, एब्सोल्युटली फायर। जी हाँ, जैसे कहता ना हिंदी में कि आग लगा डाला। सो ये वो वाला माहौल जो है वो लॉकअप के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। लिटरली एवरीवन इज जस्ट प्रेजिंग द सेटअप। प्लस करण कुंद्रा जब भी शो के अंदर आते हैं तो हर बार एक नया रिकॉर्ड स्थापित होता है और इस बात पर अब तो कंगना रनौत भी मान गई है। अब आपको क्या है कहना, आप लोग बताइए कॉमेंट सेक्शन में।